फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फुल बजट 23 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पेश करेंगी, जिसमें अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा हुआ है। बिल्डर्स की संस्था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने बजट को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर को रियल एस्टेट से जुड़ी डिमांड्स की लिस्ट सौंपी है, जिसमें बजट में ऐसे कदम उठाने की डिमांड की गई है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके और सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को हासिल किया जा सके। तो क्या कुछ मांगे की गई है, आप लोगों को क्या कुछ फायदा होगा, टैक्स में क्या कुछ छूट मिल सकती है, चलिए वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो संस्था ने प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगे होम लोन को देखते हुए होम बायर्स को राहत देते हुए हाउसिंग लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के अंडर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है। दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग की लॉन्चिंग कम हो रही है और साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स लगातार घटती जा रही है। संस्था ने सरकार से अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की डेफिनेशन को भी बदलने की सिफारिश की है। अफोर्डेबल हाउसिंग के कारपेट एरिया और कीमतों की लंबे वक्त से कोई समीक्षा नहीं की गई है। ऐसे में संस्था ने कारपेट एरिया में बदलाव किए बगैर अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस लिमिट को बढ़ाए जाने का प्रपोजल दिया है। इससे मेट्रो शहरों में जमीनों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को शामिल करने में मदद मिलेगी और साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलने वाले बेनिफिट्स का ज्यादा लाभ दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी दिया जा सकेगा। इस फैसले से कम इनकम और मिडिल इनकम के दायरे में आने वालों को अपना घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। संस्था ने सरकार से कहा है कि बिल्डर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC जिसे हम कहते हैं, इसके बिना कंसेशनल रेट पर GST का भुगतान करने या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के बाद हाई टैक्स रेट पर GST के भुगतान का विकल्प दिया जाए। वर्तमान में अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स पर ITC के बिना 1% और दूसरे रेजिडेंशियल यूनिट्स पर ITC के बिना 5% GST लगाया जाता है। डेवलपर्स को ये विकल्प देने के टैक्स कॉस्ट के मोर्चे पर बचत होगी और बिल्डर्स को ज्यादा नकदी उपलब्ध हो सकेगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर कस्टमर्स को मिलेगा। संस्था ने रियल एस्टेट के इन सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो इससे न केवल डेवलपर्स को राहत मिलेगी बल्कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड को बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी। टैक्स और रेगुलेटरी मुद्दों पर कार्रवाई किए जाने से बिल्डर्स और होम बायर्स दोनों को फायदा होगा और सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के विजन को हासिल किया जा सकेगा। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल एस्टेट देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। ऐसे में सेक्टर की ग्रोथ को गति देने के लिए इस बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगल विंडो मंजूरी सिस्टम देने से भी क्षेत्र को गति मिलेगी। वहीं उद्योग का दर्जा और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की लंबित मांग को गौर करने से कंपनियों को कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करने और टैक्स प्रोत्साहन से लाभ उठाने में मदद मिलेगी। तो हो सकता है इस जो टैक्स की छूट लिमिट है उसको 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए। इससे महंगे लोन का जो बोझ कस्टमर्स के ऊपर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस अपकमिंग बजट से कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।